हाय एवरीवन, वेलकम टू ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो बच्चों के पेरेंट्स को कई बार फेस करनी पड़ जाती है। यानी कि अगर आपका बहुत छोटा बेबी है और उसने 5-6 घंटे तक यूरिन पास नहीं किया, यानी कि 5-6 घंटे से बच्चा पेशाब नहीं जा रहा है, तो क्या आपको घबराने की बात ज़रूरत है? और अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसके अलावा वो कौन सी कंडीशन है जब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए इस सिचुएशन में? तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो इसी चीज़ को लेके होने वाला है कि बच्चा अगर बहुत लंबे टाइम तक पी नहीं करता है, यानी कि पेशाब नहीं करता है, तो उसकी वजह, उसके निवारण और कौन सी टाइम आप उसके लिए डॉक्टर से मिलें। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं बहुत सारे पेरेंटिंग टिप के लिए अपने वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। इसके अलावा मैं बेबी केयर, प्रोडक्ट रिव्यूज़ और बेबी फूड पे भी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे कि अगर आपके बच्चा 4 घंटे के बाद, यानी कि 4 या 5 या 6 घंटे हो चुके हैं और आपके बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या आपको चिंता करनी चाहिए? जी हाँ, इस सिचुएशन में अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो बिल्कुल आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि 1 साल से ऐसा माना जाता है छोटे बच्चे को हर 2 घंटे में यूरिन पास करना चाहिए, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को पेशाब जाना चाहिए। इससे अगर मान लो बच्चा 1-1.5 घंटे में भी जा रहा है तब भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर बच्चा 4, 5 या 6 घंटे तक नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आपके बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपके बच्चे का पेट ही नहीं भरा हो। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हो सकता है आपके बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिल पाया हो, ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाया हो, या फिर जो आपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दिया है उससे बच्चे को सफिशेंट इनटेक ना मिला हो, तो बच्चे का पेट ना भरा हो। सबसे पहला कारण है कि बच्चे को पूरी तरह से पेट ना भरा हो। दूसरा कारण, बच्चे के ब्लैडर में कोई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो बच्चे का मूत्राशय होता है उसमें भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी लंबे, यानी कि लॉन्ग आवर्स तक, कई घंटों तक बच्चा पेशाब नहीं जा पाता है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों को भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक इस तरह का इन्फेक्शन होता है जिसके कारण बच्चा कई घंटे तक पेशाब नहीं जा पाता है, जो कि एक बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन कई बच्चों में अक्सर हो जाती है। तो वो सिचुएशन में भी बच्चा कई बार बहुत कई घंटों तक बच्चा पेशाब नहीं जा पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो अगर आपके बच्चों को 4 से 5 या 4 से 6 घंटे के बीच में आपका हो गए हैं और आपका बच्चा पेशाब नहीं गया है, तो आप ध्यान रखें कि बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो आप उसको हर 2 घंटे में उसको दूध पिलाएं, यानी कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो ब्रेस्ट फीड कराएं, फॉर्मूला दे रही हैं तो फॉर्मूला दें, लेकिन हर 2 घंटे में आप बच्चे को 2-1.5 घंटे में ज़रूर आपने कुछ ना कुछ बच्चे को लिक्विड इनटेक दें, यानी कि फॉर्मूला, ब्रेस्ट फीड, कोई भी ऐसी चीज़ दें जिससे कि आपके बच्चे को अगर इस तरह की यूरिन नहीं पास कर पा रहा है तो बच्चा बिल्कुल, अगर आपके बच्चे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चा यूरिन पास करेगा। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 6 महीने से बढ़ाए तो आपको दूध तो बच्चे को पिलाना ही है, इसके साथ आपको बच्चे को 5-6 टेबल स्पून बार बार बच्चे को पानी भी पिलाना है, यानी कि हर 1.5-2 घंटे के गैप में, हर 1 घंटे के गैप में भी आपको कोशिश करें कि आप बच्चा कुछ 1 टेबल स्पून पानी तो पिए। तो आपको बच्चे को टाइम टू टाइम दूध पिलाना है, पानी पिलाना है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा पानी भी पी रहा है, दूध भी पी रहा है, उसके बाद भी आपका बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा है, तो आपको कौन सी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले जांच लें क्या आपका बच्चा जो यूरिन पास कर रहा था या कर रहा है वो बहुत ही डार्क कलर का तो नहीं है, कहीं आपके बच्चे को उल्टी तो नहीं हो रही है, कहीं आपके बच्चे को फीवर यानी कि बुखार तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके बच्चे को बच्चा आपका बहुत लगातार 6 महीने से छोटा बच्चा है वो बहुत ही उसने यूरिन भी पास कर लिया है, पीले कलर का यूरिन आया और बच्चा बहुत ज़्यादा तो रो नहीं रो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो और आपने हर 2 घंटे में बच्चों को पानी पिलाया है, बच्चों को टाइम टू टाइम दूध पिलाया है, उसके बाद भी बच्चा लंबे टाइम तक सुसू नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको देर ना करते हुए डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर बच्चे के जो, जैसा कि मैंने बताया, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण भी बच्चा कई बार पास नहीं कर पाता है यूरिन। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो आपको देर नहीं करनी है, जल्दी से आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना है और इसी तरह के बहुत सारी वीडियोस के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।